दोस्तों कल आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल इवेंट, अमेरिका से आएंगे और आएंगे रशिया से और आएंगे देखिएगा ऑयल मार्केट से, और अगर आप मिस करते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो टीम देखिएगा हमारी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन बेस्ड, जो भी अपडेट आती है वो टेलीग्राम पे अपडेट करती है। और कल बैंक निफ्टी का देखिएगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल में। 15 मिनट में ट्रेड डन होगा आपका, 15 मिनट में, फ्री चैनल है, ज्वाइन करके देखिए। तो मार्केट में मल्टीपल इवेंट्स हैं और आपको पता है इन इवेंट्स के बेसिस पे देखिएगा मार्केट में बहुत ज़्यादा देखिएगा रेंज कल बढ़ जाएगी। रेंज कम से कम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आप 500 से 600 की मानिए, इस रेंज में देखिएगा ट्रैवल आराम से कर सकता है। निफ्टी की अगर बात करेंगे तो 150 प्लस की रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इवेंट पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब रेंज टूटती है, ट्रेंड देखिएगा कॉन्टिन्यू होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो कॉन्टिन्यू क्यों हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो FIIs के देखिएगा और भी कई सारे फैक्टर होंगे जिस पे देखिएगा फोकस करना होगा आपको। तो सबसे पहले बात को शुरू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो शुरू होगा वो है FOMC मीटअप। सभी की निगाहें यूरोपियन मार्केट की निगाहें भी फेड की मीटिंग पर है और देखिएगा एशियन मार्केट की भी। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर देखिएगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर मीटिंग बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल का देखिएगा जो मोमेंटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉरेन फ्लोस का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि लाइक ये जो जोन है 16,600 और 800, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फेड क्या करता है कुछ निगेटिव कॉन्टेंट लेके आता है, या फिर अगर आप देखेंगे वो रेट हाइक रोकता नहीं है, कहता है मल्टीपल रेट हाइक होते रहेंगे, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम इस समय बहुत ज़्यादा पैनिक में है और वो कुछ चाहता है फेड की तरफ से कि कुछ ऐसा सुनाई दे जिससे हमें कोई राहत की खबर आए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर देखेगा फेड कुछ अच्छा बोल देता है, कहता है रेट हाइक नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर मीटिंग में, हम रुकेंगे फिर देखेंगे आगे रिव्यू करेंगे, तो आपके लिए 250-17,400 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इस इवेंट को तो मिस ही नहीं करना है, आपको ये सोच के चलना है मिस करना ही नहीं है। दूसरा इवेंट बहुत बड़ा है, अभी सरप्राइज देखिएगा दिया है रशिया के देखिएगा पुतिन साहब ने, और उन्होंने करा क्या है अलजीरा पे जाके आप देख सकते हैं, उन्होंने सडन विजिट कर ली है। अब देखिएगा आप कहते नहीं जैसे कि यूक्रेन में अचानक से बाइडन साहब पहुंच गए, तो वो अब विश्व को दिखाने के लिए, अभी अरेस्ट वारंट इनके ऊपर निकला हुआ है आप देख सकते हैं, तो ऐसे में अरेस्ट वारंट निकला हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये जहां पे युद्ध लड़ा जा रहा है वहां पहुंच गए हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे सरप्राइज दिया है और ये दिखाना चाहते हैं कि हम मोटिवेट कर रहे हैं अपने जवानों को, मोटिवेट कर रहे हैं और पूरा ऑन द ग्राउंड ओवर व्यू लेकर करेंगे क्या, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो यहां से कोई आपको अचानक से अपडेट आता हुआ देखने को मिले तो शॉक मत होइएगा, क्योंकि बाजार के पंडित के देखिएगा टीम ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि यहाँ पे आ रहे हैं चीन के राष्ट्रपति, कल से देखिएगा 3 दिन तक रहेंगे और आपको पता है उनको पूरी तरीके से जायज़ा देंगे, पूरी तरीके से जायज़ा देंगे। द यूक्रेनियन आर्मी से इट फोर्सेस आर कीपिंग रशियन यूनिट टू बे इन अ कंटेस्टेड सिटी ऑफ बखमुत। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जायदा लेने का मतलब क्या है, पुतिन साहब का जायदा लेने का मतलब क्या है कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करना है नेक्स्ट वीक, यानी कि जो कल से शुरू हो रहा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट होगा कि यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट खुद, जिनकी जान पे खतरा है, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे वॉर लड़ा जा रहा है। तो ये यहाँ से कुछ देखेगा बड़ी बातें पूरे विश्व के लिए आएंगी सामने, अमेरिका भी इस पे रिस्पॉन्स करेगा, बहुत सारी वार्निंग सिग्नल्स आएंगे, बहुत कुछ होगा। तो इसके लिए पूरी तरीके से अलर्ट रहेगा। इसके अलावा देखेगा ब्लैक सी ग्रीन डील जो है, जो सबसे बड़ा हथियार है रशिया के पास, वो 60 दिन के लिए एक्सटेंड तो किया गया है, लेकिन ये हथियार ये कब यूटिलाइज करेंगे पूरे के पूरे युद्ध को रोकने के लिए अभी पता नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो ग्रेन डील है उसको 60 दिनों के लिए एक्सटेंड करा गया है, लेकिन अगर ये ग्रेन डील देखेगा स्टॉप हो जाती है तो आधे से ज़्यादा देश क्या हो जाएंगे, फूड की क्राइसिस में आ जाएंगे। क्या जाएंगे, फूड की क्राइसिस हो जाएंगे वहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से द पैक्ट वॉज ब्रोकर्ड विद द रशिया यूक्रेन बाय द यूनाइटेड नेशन टर्की इन जुलाई
रीन्यूड देखिएगा करा गया था 120 दिन के लिए, और फिर अब देखिएगा ख़त्म होने वाला था, तो यहाँ पे पूरी तरीके से इसको 60 दिन के लिए बढ़ाया गया है। और अगर ये बढ़ाया ना जाता या फिर ना जाए, आगे चल के कभी भी स्टॉप कर दिया जाए, तो बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आपको ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट स्विस का देखिएगा स्टॉक कहाँ पे खुलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होगी कल की, क्योंकि इससे पहले देखिएगा एक्सपायरी वाले डेन लास्ट एक्सपायरी पे ये काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम आया था, लेकिन उसके बाद फिर से ये देखिएगा लास्ट पर्टिकुलर वीक में यानी कि फ्राइडे को 8% डाउन बंद हुआ था। तो इनका क्या होगा, क्रेडिट स्विस का क्या होगा, 5 दिनों में 26% की गिरावट है, इनका क्या होगा, बिकेंगे या फ्लॉप होंगे, ये डिसीजन भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा अमेरिका के बाजार पे, जिसके बेसिस पे अमेरिका का बाजार रिएक्ट करेगा। तो ये इवेंट आपको नहीं भूलने हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।